हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा ब्यूटी। और मैं हूँ प्रिशा ब्यूटी से प्रमिला। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल प्रिशा ब्यूटी में। और कैसा है दोस्तों आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि है हैवी हेयर ऑयलिंग का। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे हेयर्स होते हैं उनमें ऑयलिंग का एक अपना अलग ही जो है ऑयलिंग की इम्पोर्टेंस होती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑयलिंग नहीं करते हैं अपने हेयर्स में, और बहुत सारे लोग क्या, मैं अपने आप को भी उन्हीं लोगों में काउंट करूँगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं अपने हेयर में ऑयलिंग नहीं करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना नहीं पसंद था, और मैं कभी कदार बहुत ही कम ऑयल थोड़ा सा यूज़ करती थी, वो भी बहुत ही हल्का सा। और उसी का नतीजा ये है कि मेरे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ड्राई हो चुके थे और डैंड्रफ हो गया था, हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था। तो इस वजह से मैं हैवी हेयर ऑयलिंग मैंने स्टार्ट किया, और उसका जो फ़ायदा मुझे मिला है, जो रिस्पॉन्स मैंने मुझे मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज मैं जो है ये जो ऑयल है ये सलून प्रोफेशनल ऑयल है, और मैं काफ़ी टाइम से यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा ऑयल है। इसमें जो टी ट्री ऑयल होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स मैंने इंक्लूड की हुई हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं जो टी ट्री ऑयल होता है बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होता है हमारे जो है हेयर के लिए, स्किन के लिए। तो मैंने इसमें जो है उसकी कुछ बूंदें ऐड की हुई हैं, और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा मिला है मुझे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं वैसे जो है 50 ml जो बॉटल होती है उसको मैं ऑयलिंग मैं करना चाहती हूँ, बट ये 100 ml है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पता नहीं विजिबल हो रहा है आपको कि नहीं, 100 ml है। तो जो है इसको मैं पूरी नहीं लगाऊंगी, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा है इसमें आप लोग देख रहे हैं, तो मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करूंगी। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि जो मेरे हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हैं, ये ग्रोथ है मेरे हेयर्स की। तो इन्हीं में मैं जो है आज करूंगी ऑयलिंग। और मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि ऑयलिंग करिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ऑयलिंग। ऑयलिंग करने से आपका जो हेयर होता है ना, हेयर एक तो बहुत ज़्यादा जो है शाइनी हो जाते हैं, डैंड्रफ फ्री हो जाते हैं, और जो फ्रिजी हेयर होते हैं ना उनसे भी हमें जो है काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाती है ऐसे हेयर से। तो इस तरीके से मैं पार्टीशन करूँगी अपने हेयर्स का। तो इसी तरीके से आपको जो है पार्टीशन करना है हेयर्स का अपने, और उसके बाद में आपको जो ऑयलिंग करनी है। तो उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकन, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो 3 मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी जिनसे कि जो है हम अपने हेयर्स ऑयल करेंगे। तो सबसे पहले मैं पोर करूँगी इसको अपने हेयर्स पे, और उसके बाद में मैं मसाज करूँगी। तो इसके लिए मैं जो है मैंने पार्टीशन किया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, और इस तरीके से जो है पोर कर लेंगे, और उसके बाद में हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से मसाज करेंगे। देन इस तरीके से आपको जो है पार्टीशन करते जाना है थोड़े थोड़े हेयर्स का, और मसाज करते जाना है। तो जैसा कि हैवी हेयर ऑयलिंग है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ऑयल हमें अपने हेयर्स में अप्लाई करना है। जितने हेयर्स हैं ना सारे जो है उलझ जाएंगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इन्हें कॉम्ब करने में। तो इस वजह से आपको हल्के हाथों से करना है। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है, और इस तरीके से हमें जो है हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो एक साइड मैंने लगा लिया है यहाँ तक में, देन इधर अपने हेयर्स में, एंड उसके बाद हमें जो है सेकंड हमारा मेथड है वो ये है कि आपको अपनी फिंगर्स पे ऑयल लेना है। इस तरीके से फिंगर्स पे ऑयल लेना है, और फिंगर्स पे ऑयल लेने के बाद में ऐसे आपको यहाँ से जो है अप्लाई करना है यहाँ तक।
मेथड है वो ये है कि आपको जो है रूट से टिप तक पूरा यूज़ करना है ऑयल को, आपका हेयर छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से ऑयलिंग होनी चाहिए हेयर्स में। तो मैं और ऑयल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसी तरीके से फुल हेयर्स में अप्लाई करती हूँ अच्छे से और मसाज करती हूँ, जिससे कि जो ऑयल है वो पूरे के पूरे बालों में अच्छे से लग जाए, रूट्स में अच्छे से लग जाए, कहीं पे भी मेरे हेयर्स कहीं पे भी जो छूटने ना पाए, सब सारे हेयर्स को मैं कवर कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप फिंगर्स से करेंगे मसाज तो जो आपके हेयर्स हैं उनमें अच्छे से ऑयल जो है पहुँच जाएगा। और जो मसाज होती है, आप सबको पता है कि मसाज करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ होता है, तो इस वजह से जो है मसाज हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो फेस की हो चाहे वो हेयर्स की हो, बॉडी मसाज हो। और आप हैवी हेयर ऑयलिंग करने के बाद में कम से कम 2 घंटे आप इसको अपने हेयर्स पे रखें। सो अच्छे से हमें जो है अप्लाई कर लेना है, दोनों साइड हमने लगा लिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, और अच्छे से ऑयल आपको लगा लेना है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, तो जब आप इसको मसाज करेंगे तो ये जो है पूरा अच्छे से मसाज हो जाएगी आपके हेयर्स की और ऑयलिंग भी हो जाएगी अच्छे से हेयर्स की। तो आप चलते हैं काम करने की तरफ। तो काम करने के लिए मैं जो है इस टाइप का जो बड़ा पंखा होता है वो मैं यूज़ करती हूँ, ऐसे पार्टीशन करेंगे उसके बाद करिए। और हैवी हेयर ऑयलिंग करने के बाद में इस तरीके से आप जो है बना लीजिए, बनाने के बाद में ओवरनाइट छोड़ दीजिए, तो इससे जो आपकी हेयर्स होते हैं ना लॉन्ग हो जाते हैं। इस तरीके से हम बना लेंगे इनको। देखें आप लोग, इस तरीके से मैंने बना ली हुई है 2 चोटी, और आप चाहें तो इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए या आप चाहें तो इनको इस तरीके से बैग में ले कर यूज़ करिए और फिर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मेरा आज का। सो मैंने इस तरीके से मैंने जो है बांध लिया हुआ है अपने बालों को इस तरीके से हेयर बैंड की हेल्प से, और अब मैं इसी तरीके से जो है इसको फोल्ड करके और मैं एक बन बना लूँगी अच्छा सा। बंद बनाने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी और मैं इसको आराम से जो है नेक्स्ट डे वॉश करूंगी, यानी कि कल मैं वॉश करूंगी। आज ये बना रहेगा इसी तरीके से, और मैं जो ये ट्रिक है ना जूड़ा बनाने की, ऐसी ट्रिक है कि आपके जो हेयर्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। ये देखिए आप लोग, इधर से
तो ये जो ट्रिक है ना, इससे आपके हेयर ओपन नहीं होंगे और आप जो है ओवरनाइट इसी तरीके से बांधे रह सकते हैं, बन बनाए रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप वॉश कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर गाइज़।